हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आईबीओ 4 की यूनिट 10, जिसका नाम है इंपोर्ट फाइनेंस। तो इंपोर्ट फाइनेंस बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को, कुछ ना कुछ गुड्स को, रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। तो उस कंडीशन में जब वो दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, तो उन्हें वहां पर पेमेंट के लिए कुछ फाइनेंस की नीड होती है, फंड्स की नीड होती है। तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें उस इंपोर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसे कि हम इंपोर्ट फाइनेंस कहते हैं। इसका अगर शॉर्ट में समझे तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपनी इंपोर्ट, जो गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, उनकी पेमेंट को इजिली कर सके। तो बात करते हैं इंपोर्ट फाइनेंस की डेफिनेशन के बारे में, हम देख लेते थोड़ा। इंपोर्ट फाइनेंसिंग मीन प्रोवाइडिंग फंड्स इन फॉरेन एक्सचेंज टू द एक्सपोर्टर इन फॉरेन कंट्री एंड टू चूज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू एन इंटरमीडियरी थ्रू हुज द पेमेंट इज टू बी डन। तो इंपोर्ट फाइनेंस कैसे फंड्स प्रोवाइड किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड किया जाता है आपके एक्सपोर्टर्स को, जिससे कि वो अपनी जो फॉरन से आप वो कोई इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड्स को, रॉ मटेरियल को, तो उसकी नीड्स को, उसकी पेमेंट को कर सके। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है, वो कौन कौन सी है। हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मली तीन पॉलिसी है जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। पहली आपकी फॉरन ट्रेड एक्ट 1993, इसे हम डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं। इसे जो कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो आपके डायरेक्टर जनरल होते हैं फॉरेन ट्रेड के। और जो आपकी दूसरी पॉलिसी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और तीसरा है आपके पास इंडियन कस्टम एंड एक्साइज एक्ट 1962, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के थ्रू। तो आपने देखा आपके जो तीन पॉलिसीज हैं, तीन एक्ट हैं, इनकी हेल्प से आप रेगुलेट करते हैं अपनी कंट्री के, इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। इन तीनों एक्ट्स के बारे में हम अपनी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इनके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस कंसर्निंग इंपोर्ट्स। एक्सचेंज कंट्रोल रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है कि इससे हम कह सकते हैं कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिन्हें बनाया गया है RBI के थ्रू, कि जिससे हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर सके। किस एक्ट के थ्रू? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इस एक्ट के अंदर कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को या एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। Under the provision of the Act, RBI regulate sale and purchase of foreign currencies, commercial bank with a license to deal in foreign currencies called authorized dealers. तो इसके अंदर आपके RBI regulate करता है कि कौन सेल कर सकता है, कौन परचेज कर सकता है आपकी फॉरन करेंसीज को। ये नहीं है कि आप कोई पर्सन है और आप जाके फॉरन करेंसीज को परचेज करें या सेल करें। तो इसके लिए एक ऑथराइज डीलर्स होने चाहिए, एक तरह से लाइसेंस प्रोवाइड करती है हमारी RBI। और जिन पर्सन को RBI लाइसेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक्स हैं या कोई ऑथराइज डीलर्स हैं या कोई पर्सन है जो RBI से लाइसेंस लेकर हमारे फॉरेन करेंसीज को सेल्स या परचेज करते हैं, उन्हें हम ऑथराइज डीलर कहते हैं। हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। एज पर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, फॉरेन करेंसीज कैन नॉट बी सोल्ड टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोर्ट, फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशनल फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस अब्रॉड। हाउएवर AD मतलब कह सकते हैं हम आपका, AD का मतलब क्या है? आपके ऑथराइज डीलर्स। हाउएवर ADs कैन नॉट प्रोवाइड फॉरेन करेंसीज फॉर इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल एंड भूटान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका अगर नेपाल और भूटान के साथ आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको फॉरेन करेंसीज की नीड नहीं होगी। तो उस इंपोर्ट के लिए आपको, जो आपके ऑथराइज डीलर्स हैं, आपको फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, एजुकेशनल फीस पे करनी है आपको कोई फॉरेन की, या फिर आप कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपके अब्रॉड के, तो इन कंडीशंस के लिए आप कह सकते हैं, परचेस कर सकते हैं
फॉरेन एक्सचेंज को, लेकिन अगर आप इनमें से कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनमें से आप किसी भी पर्पस आपका फुलफिल नहीं होता है, या इनमें से कोई भी आपका काम नहीं है, तो फिर आप फॉरेन एक्सचेंज को ना तो परचेज कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का यूज तभी कर सकते हैं आप, तभी उसे सेल परचेज कर सकते हैं, पोजेशन ले सकते हैं, जब आपका इनमें से कोई उसका वर्क हो। अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन अथॉरिटीज, डीलर्स कैन प्रोवाइड फॉरेन करेंसीज टू इम्पोर्टर्स फॉर द फॉलोइंग। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन अथॉरिटीज डीलर्स हैं, वो फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड करते हैं हमारे इम्पोर्टर्स को, इन कंडीशन में, फॉर रेमिटेंस टू फॉरेन सप्लायर एज एडवांस पेमेंट। तो जब भी हम किसी इम्पोर्टर से कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कोई गुड्स को मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उसे हमें कई बार कुछ एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है उसकी शिपमेंट के लिए, उसकी डिलीवरी के लिए, या उस गुड्स को परचेज करने के लिए। तो उस कंडीशन में हमारे एक्सपोर्टर्स को ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा है पेइंग द फॉरेन सप्लायर इन कंप्लायंस ऑफ देयर अंडरटेकिंग अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब हमारा फॉरेन सप्लायर होता है, जब कई बार वो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं लेता या लेटर ऑफ क्रेडिट हम इशू नहीं करते, तो वहां पर भी एक तरह से कुछ गारंटी के फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है अंडरटेकिंग के लिए कि हम उस प्रोडक्ट को उसे परचेज करेंगे, एक तरह से बाइंडिंग के लिए, लीगली बाइंड होने के लिए, तो उस कंडीशन में। तीसरा है डिस्काउंटिंग ऑन परचेजिंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है जब हमने जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिस्काउंट कराते हैं, तो उसके लिए हमें ये फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं। और लास्ट आपका फॉर एडवांस अगेंस्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइज डीलर्स कैन ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट इंपोर्ट पेमेंट्स। और लास्ट होता है कि जब आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो उसके लिए आपको पेमेंट की नीड होती है। हो सकता है कि आप तुरंत पेमेंट ना कर रहे हो, तो उस कंडीशन में एक लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज कर आप इंपोर्टर को एक तरह से सिक्योर कर सकते हैं उसकी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट होता है या जो अकाउंट होता है, इसको कौन खोलता है? आपका ऑथराइज डीलर खोलता है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके इंपोर्ट की पेमेंट की। तो ये कुछ केसेस हैं जिनके अंदर ऑथराइज डीलर्स आपको फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड करते हैं। हम बात करते हैं करेंसी पेमेंट के बारे में। करेंसी पेमेंट मतलब होता क्या है कि करेंसी ऑफ पेमेंट हैज टू बी एप्रोप्रिएट करेंसी ऑफ द करेंसी टू द कंट्री ऑफ ओरिजन इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर दे आर शिप्ड। तो मतलब जब हम कोई भी अब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमें वहां पर किस करेंसी का यूज करना है अपनी पेमेंट के लिए। तो जो करेंसी होगी वो आपके, कह सकते हैं, एक्सपोर्टर के हिसाब से सुटेबल होनी चाहिए कि कुछ करेंसीज को दिया गया है, फिक्स किया गया है, रेगुलेट किया गया है कि उन करेंसीज का यूज कर आप कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर उसके पास वो ट्रांजेक्शन या वो करेंसीज नहीं है, तो उस कंडीशन में जो उसकी ओरिजिन ऑफ कंट्री है उस गुड्स की, उसकी फॉर्म में वो उसको पेमेंट करेगा। जैसे आप अगर यूएसए से कोई ऑर्डर ले रहे हैं, कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें डॉलर की फॉर्म में पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, द आरबीआई हैज सर्कुलेटेड अ लिस्ट ऑफ परमिटेड करेंसीज एंड द अप्रूवल मेथड ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्ट इन एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल। इसके बारे में अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसी परमिटेड करेंसीज हैं जिसे आरबीआई ने रेगुलेट किया है, उन्हें कह सकते हैं अप्रूवल दिया है कि उनका यूज कर आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी इंपोर्ट के गुड्स की। लास्ट है, ओनली अप्रोप्रिएट करेंसी कैन बी पेड अगेंस्ट ऑल इंपोर्ट्स एंड नो अदर करेंसीज कैन बी पेड। तो इसमें बात करी गई है कि आपकी जो सिर्फ कह सकते हैं अप्रोप्रिएट करेंसी कैन बी पेड अगेंस्ट ऑल इंपोर्ट्स एंड नो अदर करेंसीज कैन बी पेड। अब ये नहीं है कि आप किसी भी करेंसी के थ्रू वहां पर पेमेंट कर सकें। आपको कुछ एक लिस्ट दी गई है, एक अप्रूवल दिया गया है करेंसीज की लिस्ट का, कि आप इन्हीं इन्हीं मेथड्स का यूज कर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी एडीआर है, जीडीआर है, जैसे आपके अमेरिकन डॉलर्स हैं, तो कुछ हमारे पास ऐसे अप्रूवल मेथड्स हैं, अप्रूवल पेमेंट करेंसीज हैं, उन्हीं का यूज कर आप पेमेंट कर सकते हैं अपने इंपोर्ट्स की। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी किसी भी करेंसी का यूज करेंगे अपने इंपोर्ट की पेमेंट के लिए। अब टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। तो एक टाइम लिमिट क्या है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से कोई इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी पेमेंट आपको कितने दिन में करनी होती है, उसके रिलेटेड भी आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जो टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल इंपोर्ट्स बिल इज 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। तो जिसकी डेट लिमिट है, इसकी टाइम लिमिट है सेटलमेंट की, डेट ऑफ शिपमेंट से 180 डेज के अंदर अंदर आपको सारे बिल्स की पेमेंट करनी होती है, सारे बिल्स सेटल करने होते हैं।
बट अगर ऑथराइज डीलर चाहे तो उन बिल्स की जो पेमेंट होती है 180 डेज के बाद भी कर सकता है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। बट इसमें केस होता है कि ऑथराइज जो डीलर है वो तभी पेमेंट करेगा 180 डेज के बाद जब उसे लगे कि आपका जो रीजन है वो सूटेबल है, और या उसको आप कन्फेस कर लें ऑथराइज डीलर को कि हाँ आपने कोई आपका डिफॉल्ट नहीं है, ये हो सकता है कोई ना कोई इन्वायरमेंट रिस्क रहा हो या कोई जनरल प्रोविजन रहा हो, जनरल रीजन रहा हो कि जिसके थ्रू वो पेमेंट लेट हो पाई है। तो आपको तरह से सेटिस्फाई करना होता है अपने रीजन से ऑथराइज डीलर को, तभी वो 180 डेज के बाद भी आपकी पेमेंट को सेटल कर सकता है। तो नॉर्मल टाइम लिमिट थी हमारी 180 डेज की, और अगर 180 डेज में नहीं होती तो उसका जो रीजन होता है उससे सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा ऑथराइज डीलर, तभी वो हमारी जो पेमेंट होती है उसको विदाउट आरबीआई के अप्रूवल के, विदाउट आरबीआई की परमिशन के उस पेमेंट को करता है। बात आती है मेथड्स ऑफ इंपोर्ट फाइनेंस। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके कितने मेथड्स हमारे पास फाइनेंस करने के लिए, तो नॉर्मली हमारे पास चार मेथड है, मतलब पांच मेथड है। फाइनेंसिंग इंपोर्ट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा है फाइनेंसिंग अगेंस्ट बिल अंडर कलेक्शन, तीसरा है फाइनेंसिंग इंपोर्ट्स अगेंस्ट डेफर्ड पेमेंट्स, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अंडर फॉरेन क्रेडिट, लास्ट है इंपोर्ट लोन्स बाय एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला मेथड है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसके अंदर हमारा जो एक्सपोर्टर होता है जब किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है तो वो उसकी पेमेंट ना कर कर अपने एक बैंक के थ्रू, एक तरह से कह सकते हैं अपने बैंक को ऑर्डर देता है, एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि वो बैंक उस एक्सपोर्टर के बिहाफ पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करे इंपोर्टर के नाम, कि जिसमें एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि हाँ इन फ्यूचर अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है वो पेमेंट नहीं करेगा इंपोर्टर की, तो वहां पर जो पेमेंट होगी वो बैंक करेगा। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको अच्छी तरह पता होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह वर्क करता है और इसको किस तरह यूज करते हैं हम एज अ फाइनेंस के लिए। दूसरा है फाइनेंसिंग अगेंस्ट बिल्स अंडर कलेक्शन। तो जब हम दूसरी कंट्रीज से किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ना कुछ शिपिंग बिल्स होते हैं गुड्स के, हमारे पास रिसिप्ट्स होती हैं, बिल ऑफ लेडिंग होता है, तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर कर भी उनके अगेंस्ट फाइनेंस ले सकते हैं जो हमारे बैंक्स होते हैं। इसके अंदर होता है कि हमारा जो एक्सपोर्टर होता है उन रिसिप्ट को लेने के बाद एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक तरह से एग्री होता है कि हाँ वो इस ड्यू अमाउंट को पे करेगा एक फिक्स डेट पर। तो इसके अंदर आपका जो इंपोर्टर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है डॉक्यूमेंट्स को और आपके डिलीवरी ऑफ गुड्स को। तीसरा होता है फाइनेंसिंग इंपोर्ट्स अगेंस्ट डिफर्ड पेमेंट। तो डिफर्ड पेमेंट्स होता है कि आपका जो इंपोर्टर है वो तरह से एग्री हो जाता है कि वो आपको कोई गुड्स बेचेगा, मतलब सेंड करेगा विद इन 6 मंथ के बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब गुड्स तो आपको अभी तुरंत मिल जाएंगे लेकिन आपको उसकी पेमेंट विद इन 6 मंथ के अंदर करनी होगी। तो ये होता है आपका फाइनेंसिंग इंपोर्ट अगेंस्ट डिफर्ड पेमेंट्स। इसके अंदर आपको जो पेमेंट करनी होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है उसकी पेमेंट के लिए, एक तरह से आपको गुड्स तो एडवांस में मिल जाते हैं लेकिन आपकी जो पेमेंट होती है वो 6 मंथ बाद होती है, तो उसमें आपको कह सकते हैं थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कह सकते हैं इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अंडर फॉरेन क्रेडिट। तब इसके अंदर बात करें कि हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो लोन लेती रहती है, ग्रांट लेती रहती है अपने फाइनेंस इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए हमें नीड्स होती है, लोन चाहिए होता है। तो हम बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे हम लोन लेते रहते हैं अपनी उन फाइनेंस नीड्स को या फाइनेंस इंपोर्ट्स की पेमेंट को करने के लिए। तो नॉर्मली ये दिया जाता है आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे आप कोई हाईवे का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डेवलप कर रहे हैं, आप किसी रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब कोई भी काम जो आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है प्रोजेक्ट, नॉर्मली उसके लिए आपको ये लोन प्रोवाइड होता है आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से। लास्ट आपका इंपोर्ट लोन बाय एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी अच्छे से जानते हैं कि आपका एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे एक्सपोर्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि वो इजिली गुड्स को या रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सकें
लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पे लोन प्रोवाइड करता है जिनका पर्पस होता है कि उनको मैन्युफैक्चरिंग करना, उन गुड्स की उन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में और उनको एक्सपोर्ट करना। मतलब जिन गुड्स का आप इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के पर्पस से, उन्हीं वर्ग के लिए एक्जिम बैंक हमारे एक्सपोर्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है कि वो अपने गुड्स का जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए लोन लें और उसको फिर कन्वर्ट कर उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये मेथड्स थे आपके पास, पांच मेथड हमारे पास इंपोर्ट फाइनेंस के रिलेटेड। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।